हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बोरीवली लेटेस्ट कलेक्शन, जो कि अभी आया हुआ है दिवाली के टाइम पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन आया है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कलेक्शन आया है, और ड्रेसेस के मामले में भी। चलिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कुर्तियाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन आए हुए थे गाउन में, और ये 650 के अराउंड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 600-650 के अराउंड आपको ये सारे गाउन मिल जाएंगे, जो कि सिंगल गाउन हैं। जैसे कि एथनिक गाउन्स होते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं कलरफुल डिज़ाइन में, और आपको हल्के में चाहिए तो लाइट में भी आपको मिलेगा। और ये कॉटन का गाउन था जो मुझे काफ़ी पसंद आया, और इसमें लाइट एम्ब्रॉयडरी की हुई थी आगे, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन था, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। दिए का ये वाला 6 पीस वाला छोटा वाला क्यों, हाँ ये अच्छा लग रहा है। 40 रुपीज़। और ये वाला सेकेंड सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। थोड़े बड़े दिए थे जो कि हम मंदिर में रखते हैं, और सारे कलेक्शन आपके सामने हैं। सब डिज़ाइनर दिए थे यहाँ पे, और ये मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये 100 रुपीज़ का था। यहाँ पे आपको कॉटन की स्कर्ट्स मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही फैंसी स्कर्ट्स थी, जो आप देख सकते हो 200 रुपीज़ में। और यहीं पे थोड़ा मैं आगे बढ़ी तो मुझे बैग के कलेक्शन तो बहुत पसंद है। यहाँ पे बैग के बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन मिलते हैं, और बहुत ही ट्रेंडी बैग्स मिलते हैं। यहाँ से मैं ले जा भी चुकी हूँ। 250 के अराउंड आपको मिल जाएंगे ये बैग्स। 250 के अराउंड आपको सारे बैग्स मिल जाएंगे, और कलेक्शन बहुत सारा है इनके पास। आप जब भी आते हो तो आप देख सकते हो आगे, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे ट्रेंडी बैग्स मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे रंगोली का शॉप मिला, जो कि 10 रुपीज़ पर ग्लास था, और अच्छे अच्छे कलर्स थे इनके पास। दिवाली के लिए ही यहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं, तो अगर आप आ रहे हो एक दिन में तो आप ज़रूर आना, क्योंकि बहुत भीड़ थी और बहुत ह्यूज कलेक्शन था यहाँ पे। जैसे डेकोरेशन में दिवाली में, जैसे रंगोली वगैरह हम बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे यहाँ पर तोरण का कलेक्शन मिला, बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन था। और यहाँ पे हर तरीके के आपको तोरण मिलेंगे। आप 5 शेप में, जैसे पत्ते के शेप में होता ना, वैसा तोरण भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारा डिज़ाइन था भैया के पास में, और ये आपको 325 के अराउंड ये बोल रहे थे, बट बार्गेनिंग आपको करनी है आके, आप जब भी आ रहे हो तो ये कम कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बार्गेन करेंगे तो आपको अच्छे रेट पर अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बल्ब के लिए जो डेकोरेशन वाला होल्डर होता है, वो आपको मिल जाएगा 20 रुपीज़ पर पीस का, जो कि आप ले सकते हो इजली। और यहाँ पे आपको पूरा इसका बॉक्स भी मिल रहा था दर्जन के हिसाब से, जो कि ये दे रहे थे 200 रुपीज़ में। पूरी शॉप्स लगी हुई हैं इनके पास। आपको लैम्प भी मिल जाएंगी, लैम्प वगैरह जो होती हैं डिज़ाइनर। और यहीं पे अब पूरा भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट के अंदर फेस्टिवल की वजह से, जिसकी वजह से मेरा तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे आप लैंप देख रहे हो, ये लैंप है, बहुत ब्यूटीफुल लैंप थी ये। 250 रुपीज़ के 2 पीसेस थे। थोड़ा सा मैं वहीं से सीधे आगे बढ़ी, और मैंने देखा बहुत ज़्यादा कलेक्शन था यहाँ पे, लेकिन भीड़ इतनी थी ना गाइज की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन मुझे पसंद है, तो पर्सनली मुझे शेयर करना बहुत पसंद है आप लोगों से, इसलिए मैं बनाना मुझे था ही वीडियो। अभी आप देख सकते हो ये कैंडल होल्डर है, जो कि आपको 200 रुपीज़ में 2 पीस मिलेंगे, 100 का एक आपको मिल जाएगा, और ये मुझे बहुत पसंद आया है। मेरे पास इस तरीके का कैंडल होल्डर है पहले से। थोड़ा आप आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको 150 रुपीज़ की सेल मिल जाएगी दुपट्टों की, जो कि बहुत प्यारे कलेक्शन थे गाइस। मुझे ये रेड वाला बहुत पसंद आया। हर तरीके का दुपट्टा आप ले सकते हो, सारे कलर अवेलेबल थे अंकल के पास, और कोई भी आपका सूट के अकॉर्डिंग आपको जो भी लेना हो। और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ी, वहीं से जस्ट सीधे सीधे आप बढ़ोगे तो सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। 150 से लेकर 350 के अराउंड आपको यहाँ पे विन चैन्स मिल जाएंगी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी। और यहाँ पे मैं देखा कि कलेक्शंस तो एथनिक का कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है बोरीवली में। टचवुड बहुत ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन मिलेगा।
कितने का है भैया कुर्तियाँ? ये 300 है, जितना आगे भी है सब 300 वाले। एक दिखाओ ना इसमें से कोई, ये वाला जिसमें मुझे ये वाली कुर्ती बहुत पसंद आई है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया, कलर कॉम्बिनेशन था बहुत प्यारा था, कोई भी फेयर कलर पे पहनोगे आप तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ड्रेस मटेरियल की बात करें तो ड्रेस मटेरियल तो ह्यूज कलेक्शन है बोरीवली में, अगर आप आए होंगे तो आपको पता होगा, आप यहाँ रहते होंगे। तो मैं बहुत सारे ड्रेस मटेरियल ले जा चुकी हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए भी लेके गई थी और मैंने अपने खुद के लिए भी लिया है। जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और सबका प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है स्क्रीन पे। वैसे आपको 500 से लेके 700 800 के अराउंड आपको अंदर ही अंदर आपको अच्छा ड्रेस मटेरियल मिल जाएगा और फेस्टिवल के पर्पज़ से मिलेगा। अभी ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे वहीं पे आपको आपको कहीं नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ोगे सब शॉप्स मिल जाएंगे। वो वाइट वाला जो गाउन है ना, ये 600 के अराउंड था, ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, इसका डिज़ाइन वगैरह और बहुत अच्छा था। और वाइट कलर में नहीं बोलेंगे इसको, ऑफ वाइट कलर बोलेंगे, तो ऑफ वाइट में बहुत ब्यूटीफुल गाउन था। कितने का है? कौन सा वाला? अलग अलग में से दो वाला, 25 वाला, 2000 वाला। ये ब्लैक वाला कितने का? चलो निकालो, नहीं नहीं बोलो। हाँ कितने का है? 2000 में आएगा। दुपट्टे के? दुपट्टा भी है, दुपट्टा है इसका। हाँ बिलाव जागरा दुपट्टा देख सकते हैं। देखो। वैसे तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट बार्गेन आप करोगे तो बार्गेन वो खुद ही बोलते हैं कि हाँ जो भी लगेगा वो बता देंगे, तो आपके जो अकॉर्डिंग आपके प्राइस हो। मेरे अराउंड तो मुझे अगर मुझे लगता है तो 1500 होना चाहिए इसका प्राइस। अभी थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे ना यहाँ पे तो आपको बहुत सारे एथनिक के आपको बैग्स, जैसे होते हैं ना इंडो वेस्टर्न टाइप के बैग्स होते हैं जो कि हम इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहन सकते हैं, उस तरीके के बड़े स्टाइलिश बैग्स थे यहाँ पे 250 के अराउंड, जिसका कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा था। आप देख सकते हो, आप आओगे तो खुद ही देख लोगे। और ये है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फिर से घाघरा चोली की शॉप, क्योंकि यहाँ पे घाघरा चोली की एक शॉप नहीं है, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सी आंटी लोग वहाँ पे लगा के बैठती हैं। और ये वाला जो ग्रीन वाला था ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसके साथ मुझे दुपट्टा बोला उन्होंने कि आप डिसाइड कर लो फिर हम प्राइस अपने हिसाब से बताएँगे। 2000 का उन्होंने बोला इस ड्रेस को, मुझे दुपट्टा खुद से देंगे लगा के। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे मोक्ष प्लाजा है, मोक्ष प्लाजा के जस्ट नीचे ही आपको सारी शॉप्स बैक टू बैक मिल जाएंगी, आपको कहीं नहीं जाना है। और अगर आप आ रहे हो सामान खरीदोगे तो शॉपिंग बैग तो लेना बनता ही है, 100 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छे अच्छी क्वालिटी के आपको शॉपिंग बैग मिल जाएंगे विथ चेन वेन लगा के। आपको काफ़ी अच्छा अंकल दे रहे थे 100 रुपीज़ में, काफ़ी बड़े बड़े शॉपिंग बैग थे जिसमें आपको स्पेस काफ़ी मिल जाएगा सामान रखने का। यहाँ पे जो आप शॉप दिख रही है आपको वीवो वाली, ये शॉप काफ़ी अच्छी शॉप है, और ये आप देख सकते हो इसी के जस्ट सामने जहाँ पे पार्किंग होती है पार्किंग एरिया में ही ये शॉप है, और ये काफ़ी अच्छी शॉप है गाइज़। मैंने यहाँ से ड्रेस परचेज़ की है, मुझे यहाँ की एक ही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि स्ट्रीट पे ना होते हुए भी इनकी खुद की शॉप है, बट इन्होंने प्राइस बहुत रिजनेबल रख रखा है, जो कि 500 से लेके 800 के अराउंड आपको यहाँ पर बहुत सारे गाउन मिल जाएंगे, और प्राइस रिजनेबल के साथ में यहाँ पर ड्रेसेस बहुत अच्छी अच्छी हैं, शरारा सेट वगैरह आपको बहुत मिलेगा। अभी बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने सोडा पब से यहाँ पे 10 रुपये का जो सोडा ग्लास होता है वो मैंने पिया, मेरा मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर आपको मिल जाएंगे, तो आप आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गर्मियों में तो ज़रूर। तो अभी मैं ये वीडियो यहीं फिनिश कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें, एंड हैप्पी दिवाली।